सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर। कल के लिए हमारे क्या व्यूज रहेंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या रहेगा, आज क्या क्या हुआ है मार्केट में और आगे आने वाले सेशंस में और क्या क्या हो सकता है, इन सब के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उन लोगों को मैं बताना चाहूंगी, मैं इस चैनल पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के ऊपर वीडियो रेगुलरली अपलोड करती हूँ। समटाइम्स ट्रैवल के वीडियोस भी अपलोड करती हूँ और जब कभी भी टाइम मिलता है तब मैं एक एजुकेशन पर्पस में या फिर किसी स्टॉक को लेके वीडियो अपलोड कर देती हूँ। तो आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सही से आती जाए। और जिन्होंने अभी तक चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो प्लीज जल्दी से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा गाइडेंस वीडियोस मिलेंगे, एक्सपायरी के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रेटेजी वीडियोस मिलेंगे, इसके साथ साथ आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, ऑप्शन चेन एनालिसिस के ऊपर वीडियोज जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो प्लीज जल्दी से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक आपको प्रोवाइड कर दी है, वही अगर आप देखोगे तो सब्सक्राइब बटन के बाजू में आपको एक और आइकॉन दिखेगा ज्वाइन बटन करके, तो वहां से भी आप चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। तो जल्दी से चैनल मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। सो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो निफ्टी 50 के साथ। तो निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 10,471 के पास और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,264 के पास। तो देखिए, निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों ने आज एक बढ़िया तेजी हमें दिखाई थी। सो निफ्टी इंडेक्स कंटिन्यू इट्स पॉजिटिव मोमेंटम फॉर फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव सेशन एंड हेडेड टुवर्ड्स 10,500 जोन्स। नाउ टिल इट डजंट निगेट द फॉर्मेशन ऑफ हायर लोस, बाइंग इंटरेस्ट कुड कंटिन्यू। सो यहाँ पे आप जब तक हायर लोस देख रहे हैं तब तक हमारी जो स्ट्रेटेजी है बाय ऑन डिप्स की वो निफ्टी के अंदर कंटिन्यू रहेगी। सो अगर हम लोग देखें ग्लोबल इंडाइसेस जो है वो भी अच्छे खासे चल रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर भी अच्छा ही हो रहा है। सो निफ्टी हैज टू कंटिन्यू टू होल्ड अबाउट 10,330 लेवल्स, सो एक्सटेंड इट्स अप मूव टुवर्ड्स 10,600 एंड 650 जोन। सो यहाँ पे निफ्टी अगर 10,330 के अबाव ही रहता है तो यहाँ से निफ्टी अपना अप मूव जो है वो एक्सटेंड कर सकता है कहाँ तक, 10,600 और 650 के तरफ। वही डाउन साइड के लिए सपोर्ट जो इम्पोर्टेंट है वो जोन है 10,250 से लेके 10,180 का। तो ये निफ्टी के लिए अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट जोन बना हुआ है। सो वी डिड नॉट ब्रेक द सपोर्ट ऑफ 10,200 एंड यहाँ पे हमने 10,500 का मार्क के पास जो है वो हम लोग पहुंच गए हैं। सो बिफोर द क्लोज ऑफ मार्केट सो वी शुड नाउ टारगेट 10,700 एज द नेक्स्ट फॉर द निफ्टी इंडेक्स। सो यहाँ से निफ्टी के लिए जो नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 10,700 का। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि अगर निफ्टी 10,300 को क्लियर करता है तो यहाँ से निफ्टी हमें डेफिनेटली 10,500 तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो आज कुछ ऐसा ही देखने को मिला। अभी यहाँ से जो हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा निफ्टी के अंदर 10,700 का। सो वे फ्यू लार्ज कैप काउंटर्स आर परफॉर्मिंग इन पास्ट फ्यू डेज, सो इट सीम्स दैट वी मे सी अ फर्दर अपसाइड मूवमेंट आफ्टर लिटिल करेक्शन इन द इंडेक्स। सो एट प्रेजेंट लेवल डाउन साइड के लिए 10,300 का लेवल आपको ध्यान रखना है और अपसाइड के लिए 10,600 का। तो यहां से अगर हमें करेक्शन भी देखने को मिलता है तो डाउन साइड के लिए 10,300 और 200 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पे अगर आपको निफ्टी मिलता है तो यहाँ से आपको डेफिनेटली बाइंग के लिए जाना चाहिए। तो अभी हम लोग पहले निफ्टी की ऑप्शन चेन डिस्कस कर लेते हैं, बाद में चार्ट के लेवल्स जो है वो देख लेंगे। सो अभी मेरे सामने निफ्टी की 25 जून की एक्सपायरी की ऑप्शन चेन है और निफ्टी की आज की क्लोजिंग आई है 10,471 के पास। सो देखिए,
कॉल साइड से हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। कॉल साइड में अगर हम लोग देखें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हमें बना हुआ दिखाई दे रहा है वो है 40 लाख का, जो कि है 10,500 के ऊपर। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 11,000 के लेवल के ऊपर, 30 लाख का। वही कॉल साइड में आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है, तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग देखने को मिली है 4,87,000 की, जो कि हुई है 10,500 के लेवल के ऊपर। वही इसके बाद में अगर हम लोग देखें सेकेंड हाईएस्ट राइटिंग कहाँ पे हुई है, तो इसके बाद में सेकेंड हाईएस्ट राइटिंग हुई है 3,52,000 की, जो की हुई है 10,550 के लेवल के ऊपर। तो देखिए अभी निफ्टी अगर यहां से करेक्शन दिखाता है 10,500 और 550 से, तो भी डाउन साइड के लिए जब तक निफ्टी इस जोन के ऊपर चल रहा है तब तक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव है। और यहाँ पे अगर आपको मिलता है निफ्टी तो आपको जरूर बाइंग के लिए जाना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा, या से आपको 10,300 के पास निफ्टी में बाइंग करनी चाहिए, और डाउन साइड के लिए ये जोन का स्टॉप लॉस रहेगा। तो निफ्टी का यहां से अपसाइड के लिए जो हमारा टारगेट है 10,700 का, ये दिखाने से पहले निफ्टी हमें यहां से 10,300 का करेक्शन भी दिखा सकता है। सो यहां पे आपको ध्यान रखना है 10,200 के पास अपना एसएल रखना है। सो अपसाइड के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन है 10,500-550, इसके बाद में 10,700 और उसके बाद में 11,000 का रेजिस्टेंस निफ्टी के लिए रहेगा। वही डाउन साइड की अगर मैं बात करूं, तो देखिए डाउन साइड के लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है, तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 48 लाख का, जो कि बना हुआ है 10,000 के लेवल के ऊपर। वही पुट साइड में अगर हम लोग देखें आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है, तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हमें देखने को मिली है 10,400 और 300 के लेवल के ऊपर। तो देखिए जैसे मैंने अभी आपको कहा कि 10,300 के पास अगर निफ्टी मिलता है तो जरूर आपको बाइंग के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे जो सपोर्ट इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए वो फर्स्ट रहेगा यहाँ से 10,400 का लेवल, और उसके बाद में 10,300 का लेवल, और फिर 10,000 का लेवल। सो इस ऑप्शन डेटा से डाउन साइड के लिए निफ्टी के लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स है। तो अभी ऑप्शन डेटा से मैंने इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स आपको बता दिए हैं। तो चलिए चलते हैं अभी चार्ट के ऊपर निफ्टी 50 के। सो पॉजिटिव सिक्वेंशियल मूवमेंट लाइक हायर टॉप्स एंड बॉटम्स कंटिन्यू इन निफ्टी ऑन द डेली टाइम फ्रेम चार्ट एंड इज करेंटली प्लेस टुवर्ड्स अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू हायर टॉप ऑफ द सिक्वेंस। सो स्टिल अप ट्रेंड हैज नॉट कंप्लीटेड एंड वी एक्सपेक्ट निफ्टी टू शो माइनर ट्रेंड रिवर्सल एट द हाइज ऑफ अराउंड 10,600 और 650 लेवल्स आने वाले कुछ सेशंस के अंदर। सो शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऑफ निफ्टी कंटिन्यूज टू बी पॉजिटिव। अपसाइड के लिए निफ्टी का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 10,600-650 का। यहाँ पे हमें करेक्शन जो है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिल सकता है। सो यहाँ से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। वही डाउन साइड के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है जहां से हमें नजर रखना है वो है 10,360 और 380 का लेवल। सो टेक्निकली अगर हम लोग देखें निफ्टी हैज कोविंसिंगली ब्रोकन अबाउट 10,329 रेजिस्टेंस। सो नाउ नेक्स्ट रेजिस्टेंस विल बी एट 10,550 एंड 10,630 जोन। On falls, it could take support at 10,310 and 10,330 zone. So, यहाँ पे ये दो important support और resistance के zone हैं। तो आपको ये zone जो है वो ध्यान में रखने हैं upside के लिए, resistance zone 10,550 और 10,630 का। Downside के लिए important support zone 10,310 और 10,330 का। तो अभी next session के लिए निफ्टी के लिए कौन से important support और resistance के levels होंगे ये अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो देखिए अभी यहां से जो first important support है निफ्टी के लिए वो रहेगा 10,420 का level। अगर
निफ्टी इस लेवल को तोड़ देता है तो यहां से हमें एक सेलिंग प्रेशर जो है वो निफ्टी के अंदर देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को 10,310 और 10,330 के अपने इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन के पास ले जाता हुआ दिखाई देगा अगर 10,420 टूटा तो। फिर डाउनसाइड के लिए ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट के लेवल्स हैं। वही अपसाइड की अगर मैं बात करूं तो देखिए अपसाइड के लिए यहां से जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 10,510 का लेवल। अगर निफ्टी इसके ऊपर ही सस्टेन हो जाता है, इसको नहीं तोड़ता है, तो निफ्टी हमें 10,550 और 10,580 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर निफ्टी 600 के ऊपर चला जाता है क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो ये एक बुलिश साइन माना जाएगा और यहां से फिर निफ्टी हमें 11,000 के तरफ धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पे आपको 10,600-650 के जोन को ध्यान से देखना होगा क्योंकि यहां से हमें एक प्रॉफिट बुकिंग या फिर एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है मार्केट के अंदर। सो निफ्टी के लिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स इंपॉर्टेंट है। तो आज क्या क्या हुआ निफ्टी के अंदर ये भी हम लोग देख लेते हैं। सो निफ्टी ने आज ओपनिंग की थी 10,347 के पास, इंट्राडे हाई किया था 10,484 का, इंट्राडे लो किया था 10,301 का और अभी फिलहाल क्लोजिंग दी है 10,471 के पास। सो देखिए ये आज के इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल से 10,300 का लेवल निफ्टी ने नहीं तोड़ा तो निफ्टी डेफिनेटली हमें 10,700 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। सो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। सो अभी हम लोग बात करते हैं निफ्टी बैंक के ऊपर। सो अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक की ऑप्शन चेन है 25 जून की एक्सपायरी की और निफ्टी बैंक की आज की क्लोजिंग आई है 22,264 के पास। तो देखिए निफ्टी बैंक ने आज 22,000 का लेवल क्लोजिंग बेसिस के ऊपर होल्ड रखा हुआ है तो आज निफ्टी बैंक के अंदर भी हमें अच्छी खासी तेजी जो है वो देखने को मिली थी। सो अभी ऑप्शन डेटा से हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो कॉल साइड में अगर हम लोग देखें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है तो कॉल साइड में जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है वो है 6,86,000 का, जो कि बना हुआ है 23,000 के लेवल के ऊपर। सेकेंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 5,36,000 का, जो कि बना हुआ है 22,500 के लेवल के ऊपर। वही कॉल साइड में आज अगर हम लोग देखें सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है तो कॉल साइड में आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग हुई है 23,500 के लेवल के ऊपर, जो कि हुई है 89,580 के तरफ। तो देखिए जैसे मैंने आपसे कहा था कि निफ्टी बैंक अगर 21,000 का लेवल होल्ड रखता है तो डेफिनेटली हम लोग 23,000 का लेवल जो है वो निफ्टी बैंक के अंदर देख सकते हैं। तो देखिए निफ्टी बैंक धीरे धीरे करके इसी लेवल के पास आ रहा है और इसी लेवल के पास हमें एक प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है, करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो ये लेवल को आपको ध्यान देना होगा, यहां से निफ्टी बैंक जो है वो गिरने के चांसेस है। अगर नहीं गिरता है, शॉर्ट कवरिंग रैली जो है देखने को मिलती है तो निफ्टी बैंक हमें 23,500 की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अगर क्लोजिंग बेसिस के ऊपर 23,000 का लेवल होल्ड करता है निफ्टी बैंक तो यहां से निफ्टी बैंक हमें 24,500 के तरफ डेफिनेटली बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सो निफ्टी बैंक के लिए अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस है 22,500, 23,000 का लेवल और 23,500 का लेवल। वही डाउनसाइड के लिए सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो देखिए पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे बना हुआ है तो पुट साइड में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है 7,36,000 का, जो कि बना हुआ है 20,000 के लेवल के ऊपर, और 6,78,000 का बना हुआ है 21,000 के लेवल के ऊपर। वही आज सबसे ज्यादा पुट साइड में कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग कहाँ पे हुई है तो आज सबसे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स की एडिंग दिखाई दे रही है 22,000 के ऊपर और 21,500 के लेवल के ऊपर। तो देखिए यहां से
निफ्टी बैंक के लिए जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है वो है 22,000 का लेवल। अभी निफ्टी बैंक को इम्पोर्टेंट है 22,000 को होल्ड रखना, तभी यहाँ से अच्छे खासे अपसाइड के लेवल्स जो है वो निफ्टी बैंक हमें दिखा सकता है। अगर 22,000 टूटता है तो निफ्टी बैंक के पास नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे है? तो निफ्टी बैंक के पास नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सपोर्ट है 21,000 और 21,500 का जोन। ये निफ्टी बैंक के पास इम्पोर्टेंट और क्रूशियल सपोर्ट जोन है। ये टूटेगा तो फिर से हमें कंसोलिडेशन जो है वो निफ्टी बैंक के अंदर देखने को मिल सकता है। सो निफ्टी बैंक के लिए ऑप्शन डेटा से हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स तो देख लिए हैं, तो अभी चलिए चलते हैं चार्ट के ऊपर निफ्टी बैंक के। अभी मेरे सामने निफ्टी बैंक का 1 डे कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट है और निफ्टी बैंक की आज की क्लोजिंग आई है 22,264 के पास। देखिए आज निफ्टी बैंक के अंदर हमें क्या देखने को मिला। निफ्टी बैंक ने आज ओपनिंग की थी 21,859 के पास, इंट्राडे हाई किया था 22,322 के पास, इंट्राडे लो किया था 21,647 के पास और अभी फिलहाल क्लोजिंग दी है 22,264 के पास। देखिए यहां से आगे निफ्टी बैंक के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स क्या होंगे। यहां से जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है 22,180 का लेवल। अगर निफ्टी बैंक ये लेवल तोड़ देता है तो निफ्टी बैंक के पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 21,850 का लेवल। वही अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें तो देखिए अपसाइड के लिए फर्स्ट यहां से रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 22,310 का लेवल। अगर निफ्टी बैंक इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर लेता है, इसके नीचे नहीं आता है, तो निफ्टी बैंक हमें 22,480 के तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जहां पे निफ्टी बैंक के लिए सेकेंड रेजिस्टेंस है। ये निफ्टी बैंक के लिए अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस का काम करते हुए हमें नेक्स्ट सेशन में दिखाई दे सकते हैं। तो जो भी लेवल्स मैंने अभी आपको बताए हैं वो प्लीज अपने चार्ट के ऊपर जरूर मार्क कीजिएगा, आपको ट्रेडिंग के वक्त डेफिनेटली हेल्पफुल होगा। और कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं आपको आंसर कर दूंगी। अभी आज के लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना। वीडियो अगर बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, जिनको भी ये वीडियो यूजफुल है उन सबके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना और उन सबको कहना इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड ट्रेड केयरफुली।